कासगंज के बस स्टैंड पर पैदल चल रहे राहगीरों को कोरोना से बचाव के लिए कुंवर देवेंद्र सिंह यादव, पूर्व सांसद जिलाध्यक्ष सपा ने सैनिटाइजर से हाथ धुलाकर तथा लड्डू, बिस्किट, खिचड़ी, खाने के पैकेट, फल व पानी इत्यादि का वितरण कराया तथा गाड़ियों में सकुशल बैठाकर अपने घर के लिए रवाना किया और कहा कि यह कार्यक्रम लगातार 14 अप्रैल तक चलेगा। और साथ ही उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए अपने पर्सनल खाते से 5,11,000 रुपए कासगंज जिला प्रशासन को देने की घोषणा की और कहा कि मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी देशवासियों को इस महामारी से जल्द निजात मिले। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हरसतुल्ला शेरवानी, पूर्व विधायक हरिओम शर्मा आदि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे जनपद में बाहर से आए लोगों की हर संभव मदद कर सेवा की। विपिन कुमार की रिपोर्ट। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो लॉकडाउन किया है इसके बाद जो जनता को परेशानी तो हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के जो आदेश है उन्होंने बोला है कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता रोडों पर उतर करके और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो परेशान हैं, खाने पीने से दुखी हैं, सबकी मदद करें। तो हमारे कासगंज के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय देवेंद्र सिंह यादव जी और हम लोग सब मिल करके इसका बंदोबस्त कर रहे हैं। तमाम खाने पीने की चीज़ें दी जा रही है। यहाँ पर आज हम अंतर बस अड्डे के सामने खड़े हुए हैं, यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है। यहाँ सभी लोगों को खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको पानी के, खाने की, फलों की सबकी व्यवस्था की गई है। और माननीय हमारे जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के डॉक्टर कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जी ने अपने खाते से 5,11,000 रुपये DM साहब को देने का आज बोला है। शाम को उनको चेक पहुँच जाएगा जिससे कि और भी लोगों की सेवा हो सके, लोगों को दवाइयां मिल सके, लोगों की परेशानियां दूर हो सके। लॉकडाउन में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि सभी समाज के लोगों में जुट जाएँ और जो भूखे गरीब लोग बेसहारा हैं, जो लोग पदयात्रा में निकल पड़े हैं, जिनको साधन और उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उन गरीब लोगों को रोटी पानी की समस्या हो गई है। हमने उसी दिन से भंडारा चालू कर दिया है और नित्य जब तक ये परेशानी रहेगी हम कोशिश करेंगे कि ये खाने पीने की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। इसी के साथ साथ हमारी ईश्वर अल्लाह से ये कामना है कि जो ये महामारी घोषित हुई है इससे हमारा देश निजात पाएगा और आने वाले दिनों में ये राष्ट्रीय ऊंचाई को मोटा रखना, मानव संबंध बढ़ाने का काम करेगा। मैंने इसी क्रम में जिला प्रशासन को भी अपने पर्सनल खाते से 5,11,000 रुपया देने की घोषणा की है जो जिला अधिकारी के नाम पर ड्राफ्ट बनवा के भिजवा दूंगा। और जब तक ये संकट की घड़ी रहेगी हम निरंतर सभी समाजवादी पार्टी के लोग समाज की सेवा करते रहेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करते रहेंगे, दवा गोलियों का इंतजाम करते रहेंगे और यही हमारा नित्य प्रति संकल्प है। इसी के साथ ईश्वर से फिर पुनः कामना करेंगे कि हमारा देश इस संकट घड़ी से निकल जाए और आने वाले टाइम में एक बड़ी कीर्ति को बनाए जिससे समाज में इज्जत और सम्मान पाने का।